हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। माय नेम इज़ सौरभ कुमार शर्मा। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सेट थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अगर किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकता है। ओके, देखिए कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या ज़रूरत पड़ी है, सुनिए। देखिए, स्टोर करना या सेट्स को लिख देना कंप्यूटर के अंदर किसी भी अनऑर्डर्ड फैशन में बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। बट अगर हम उन्हीं को, अगर मैं उनके ऊपर ऑपरेशन करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने सेट्स को बाइनरी बिट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कन्वर्ट कर लिया है, देखिए। सपोज़ करिए कोई यूनिवर्सल सेट है यू, जो कि एक फाइनाइट है, मतलब कि फाइनाइट एलिमेंट है। ऑर्डरिंग इज़ फॉर इंस्टेंस a1, a2, a3, डॉट डॉट an। उसमें कुछ एलिमेंट हैं a1, a2, a3। किसी इंस्टेंस, मतलब किसी सेट के लिए हमने एक ले लिया है कुछ एलिमेंट a1, a2, a3, डॉट डॉट an, ठीक है। अच्छा, अ सबसेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट u विथ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। एक सबसेट है a, जो कि किसका सबसेट है, u का, जिसके साथ बिट स्ट्रिंग्स हैं, जिसकी लेंथ कितनी है n। वहीं पर i हमें क्या बताता है उसका, वेयर ith बिट हमें क्या बताता है उसकी पोजीशन। फॉर एग्जांपल वन कोई एलिमेंट है ai, फॉर एग्जांपल a1, a2, a3, an, ये कुछ चल रहा है, कहाँ तक चलेगा, ai तक चलेगा, ठीक है, ai तक चलेगा। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है a1, a2 या a4, a7, ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि किसमें, सबसेट में अगर बिलोंग करता है वो एलिमेंट उस पोजीशन पे, जो आई लिखा है ना, आई वो क्या है, पोजीशन बता रही है किसकी, उस सबसेट में वो उस एलिमेंट की पोजीशन बता रही है आई, ठीक है। एक सबसेट है ए, किसका सबसेट है, यू का, और ए आई क्या है, आई क्या है, उस एलिमेंट की पोजीशन बता रही है, ठीक है, कि वो एलिमेंट कहाँ पर किस पोजीशन पर है, ठीक है, और वो एलिमेंट बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए आई है, वन लिखा है, ठीक है, अगर ए आई बिलोंग करता है सबसेट ए से तो वहाँ पे लिखेंगे वन, और अगर नहीं करता है तो क्या लिखेंगे, ज़ीरो। मुझे मालूम है ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज़ करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपकी यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि इसका आप बताइए बिट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट, बिट स्ट्रिंग्स में हमको बताना है कि सबसेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स कैसे लिखेंगे, किसमें, बिट स्ट्रिंग्स में, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अगर मुझे ये 1 to 10 एक सेट मिला हुआ है जिसमें 1 to 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनका अगर मैं ऑड सेट बताऊँ, ऑड नंबर से ऑड एलिमेंट्स निकाल दूँ इनका, इन नेचुरल नंबर का, तो क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो कैसे मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगा, किसमें, सेट के फॉर्म में, मतलब कि बिट स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो कि हमारा सेट ही होंगे, कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखिए, ये समझ लीजिए आई ए वन है, ठीक है, ये ए थ्री है, ये क्या है, ए फाइव है, ये ए सेवन है, ये ए नाइन है, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये सब बिलोंग करते हैं किससे, ए से, ठीक है। ए वन ए क्या बता रहा है, बिलोंग करता है, A1 क्या बता रहा है, बिलोंग करता है A से, और 1 क्या बता रहा है, A का उसकी पोजीशन, उसकी इंडेक्स, उसका पोजीशन I इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखिए 1, 2 कितने डिजिट्स हैं, टोटल 10 हैं, मैं 10 डैश बना लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डैश बना लिया। अच्छा, इंडेक्स वन पे क्या है, और डैश के नीचे लिख लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मुझे बताएगा क्या, एलिमेंट्स की पोजीशन, ये जो नीचे वाले ए हैं, नीचे वाला, ये क्या बताएगा हमें, आई की पोजीशन, ठीक है, ये बता रहा है मुझे पोजीशन। और ये सब क्या बताएंगे, एलिमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। वन बिलोंग करता है इसे, ऑफकोर्स करता है, पोजीशन क्या है, वन है, तो क्या लिखूँगा, वन। अच्छा, फिर कॉमा थ्री क्या बता रहा है, ए थ्री, आई की वैल्यू कितनी है, थ्री। इस थ्री के साथ हमको ये भी पता चला है कि वो किसके, उसका इंडेक्स क्या है, थ्री है, बीच में टू नहीं है, ए टू, आई की वैल्यू क्या, टू, ए टू,
बिलोंग नहीं करता है ए से, ए टू बिलोंग नहीं करता है ए से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स जो टू है जब बिलोंग नहीं करता है तो क्या लिखेंगे, ज़ीरो। ठीक है, ए थ्री, ए थ्री इंडेक्स क्या है, थ्री है, क्या थ्री, ए थ्री, और ये भी बता रहा है ए थ्री अवेलेबल भी है, ऑफकोर्स अवेलेबल भी है, किसमें, ए में, तो क्या लिखेंगे, वन। देखो पोजिशन भी ध्यान दीजिए, तीसरे पोजिशन भी है, ठीक है, ज़ीरो। ए फोर, ए फोर, फोर है अवेलेबल, नहीं है, और आई की वैल्यू क्या है, फोर, फोर्थ पोजिशन, क्या वो बिलोंग करती है इसे, नहीं करती है, नहीं करती है तो ज़ीरो। अच्छा वन, फाइव क्या है, फाइव क्या है, इंडेक्स है, फाइव बिलोंग करता है, फाइव, ए फाइव, ए फाइव पे क्या है, ए फाइव पे क्या है, ए फाइव पे फाइव है, ओके, ए फाइव पे फाइव है, इंडेक्स क्या है, फाइव, क्या फाइव बिलोंग करता है इसे, ऑफकोर्स करता है, वन। ठीक है, देखिए पोजिशन भी बता रहा है नंबर, नंबर पोजिशन भी बता रहा है, प्लस उसकी एवेबिलिटी भी बता रहा है, जैसे कि फाइव क्या है, फाइव एक एलिमेंट भी है यहाँ पे, और बिट का पोजीशन भी बता रहा है, फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, सिक्स्थ, सिक्स्थ अवेलेबल है, सिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं सिक्स नहीं अवेलेबल है, अगर सिक्स अवेलेबल नहीं है तो क्या लिखेंगे, सिक्स ज़ीरो, सिक्स के लिए ज़ीरो लिख देंगे। देखिए इफ़ ए आई डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन ज़ीरो, ठीक है, सिक्स के लिए लिख देंगे ज़ीरो। ठीक है, सेवन, क्या सेवन बिलोंग करता है, यस, ए से सेवन बिलोंग भी करता है, और सेवन क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है, सेवन पोजीशन है, सो सेवन पोजीशन पे वन लिखेंगे और क्या बताएंगे कि ये सेवन बिलोंग भी कर रहा है, ज़ीरो। एट, एट होना चाहिए, एट क्या है, एट बिलोंग करता है, नहीं करता है, एट नहीं है इसमें, अगर एट नहीं है तो क्या लिखेंगे, ज़ीरो, एट्थ पोजीशन पे क्या लिखेंगे, ज़ीरो। अगर वन लिखा हुआ है, नाइन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या नाइन बिलोंग करता है, नाइन लिखा हुआ है, क्या नाइन बिलोंग करता है ए से, ऑफकोर्स करता है, और क्या नाइन, नाइन नाइन्थ पोजीशन पे लिखेंगे वन, क्योंकि बिलोंग करता है नाइन, और टेन, टेन है, टेन तो नहीं है, टेन अगर नहीं है, टेन अगर नहीं है तो क्या टेंथ पोजीशन पे क्या करेंगे, ज़ीरो। तो क्या इससे पता चला कि जो जो सबसेट में है, जो एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे वन, और वो नंबर हमको उसकी पोजीशन भी बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन भी, फॉर एग्जांपल वन, वन लिखा था, वन की पोजीशन वन थी तो वन लिख दिया, थ्री की पोजीशन क्या है, थ्री अवेलेबल भी है, थ्री की पोजीशन क्या है, थ्री है, थ्री पे लिख दिया, फाइव अवेलेबल है, ओके, फाइव की पोजीशन क्या है, इंडेक्स फाइव पे, वन लिख दिया, सेवन की पोजीशन, सेवन लिखा हुआ है, अवेलेबल है, सेवन की पोजीशन पे लिख दिया वन, ठीक है, नाइन की पोजीशन पे लिख दिया वन, ठीक है, और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी इसके अलावा, जितने भी इवन, क्योंकि ऑड था तो इवन मिलेंगे नहीं, तो इवन पे क्या लिख देंगे, टू पे जीरो लिख देंगे, फोर पे जीरो लिख देंगे, सिक्स पे जीरो लिख देंगे, एट पे लिख देंगे, टेन पे लिख देंगे, ओके। तो अब देखिए ऊपर जो भी बिट स्ट्रिंग बना है उस, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट्स का, सेट में बिट स्ट्रीम का, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के, कंप्यूटर में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, अब इसी में अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि इसी यूनिवर्सल सेट में से नॉट एक्सीडिंग फाइव के लिए आपको सेट बनाया जाए, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग फाइव, तो नॉट एक्सीडिंग फाइव का मतलब क्या, सेट में अवेलेबल क्या क्या होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यही इनके पोजीशंस भी हैं, यही इनके पोजीशंस भी हैं, तो हम क्या करेंगे, टेन, टेन डैश बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, तो वन अवेलेबल था वन लिख लिए, टू अवेलेबल था दो के पोजीशन पे वन लिख लिए, थ्री अवेलेबल था थ्री के पोजीशन पे थ्री वन लिख लिए, फोर्थ अवेलेबल था फोर के पोजीशन पे वन लिख लिए, फाइव भी अवेलेबल था फाइव के पोजीशन पे वन लिख लिए, जो अवेलेबल है उसकी पोजीशन पे पहुंचो, वो नंबर देख के वहाँ पे वन कर दो, ठीक है, और बचा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिक्स सेवन एट अवेलेबल नहीं, तो उन सभी के पोजीशन पे क्या लिख देंगे, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि वो बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, हाँ, तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, ऑपरेशन ऑन बिट स्ट्रिंग, कैसे ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फ्रॉम बिट स्ट्रिंग्स, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, वन से ज़ीरो, ज़ीरो का वन, इन्वर्ट कर देना, ठीक है, इन्वर्ट कर देना, एक्स बिलोंग करता है ए से ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि अगर मैं लिख दूं 100101, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट फ्रॉम बिट स्ट्रिंग्स, अगर हमें यूनियन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बिट वाइज ऑरिंग, बिट वाइज ऑरिंग करेंगे, ऑरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 00 अगर 00 का और होगा तो 0 होगा, 01 का और होगा तो 1 होगा, 10 का और होगा तो 1 होगा, 11 का और होगा तो 1 होगा, ठीक है।
चलिए एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। 10, 10 का और करेंगे तो 1, 01 का और करेंगे 1, 10 का और करेंगे तो 1, 1001 का 1, 101, 011, 101। एक और एग्जांपल अगर देखें तो 10100000011110100000, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन करना होगा तो कैसे करेंगे? इंटरसेक्शन अगर करना हो तो इंटरसेक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बिट वाइज एंडिंग करेंगे, ठीक है। एंडिंग का क्या मतलब हुआ कि एंडिंग का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई दो बिट स्ट्रिंग है, 00011011। अगर मैं इनका एंडिंग करूँगा, ठीक है, बिट वाइज का करने का क्या मतलब? एक एक बिट को लेकर, 00 का करूँगा 0, 01 का करूँगा तो 0, 10 का 0, 11 का 1, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कैसे हो रहा है। 11 10 10 0 0 10 0, ठीक है, 0 0 0, ठीक। और आगे क्या है? 10 10 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 11 10 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा एंडिंग, ठीक है। ए भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर इसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम? देखिए पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1, 2, ... 10 तक, ठीक है। 10 तक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? हम लोग 10 डैश बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ले लिया ना, 10 डैश ले लिया। अब देखिए 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट पोजीशन पे लिख ले 1, 2 लिखा हुआ है तो सेकंड पोजीशन पे लिख दे 1, 3 लिखा हुआ है थर्ड पोजीशन पे लिख दे 3, 1, 4th लिखा है फोर्थ पोजीशन पे 1, 5th लिखा है 5th पोजीशन पे 1, ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस सेट को मैंने बिट स्ट्रीम में लिख लिया। अब दूसरा क्या है, इसे भी 10 कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब क्या है, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? ऑड पोजीशंस भी बता रहा है, और एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? बी से, ये भी बता रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे 1, 3 क्या बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है? 3 है, अवेलेबल भी है। तो थर्ड पोजीशन पे 1, 5 क्या बता रहा है? उसकी पोजीशन भी है 5 पे अवेलेबल भी है, और पोजीशन क्या है? 5th, ये भी लिख दिया। 7th क्या है पोजीशन 7 की? 7th अवेलेबल है, यस, ठीक है। 9 अवेलेबल है 9th पोजीशन पे, यस, और सब अवेलेबल नहीं है, 2, 4, 6 इवन वाले अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सेट का, सेट बी का। अब हमें इसका क्या करना है? यूनियन करना है। तो चलिए यूनियन अगर करना हो तो कैसे लिख देंगे? मैं यूनियन इसी में, जगह नहीं है, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। यूनियन कैसे होगा देखिए, ठीक है, यूनियन कैसे करेंगे? यूनियन करने के लिए क्या करते हैं? बिट वाइज ऑरिंग करते हैं, ठीक है। क्या करूँगा? 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1, अब इसी में आपको ये बोला जाएगा कि आप क्या करिए, इंटरसेक्शन करिए, तो क्या करेंगे आप? इंटरसेक्शन में यही कर दे रहा हूँ, 0 0 0 0, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब बिट वाइज एंडिंग, ठीक है। 0 1 0 1 का 0 0 0 0 0 1 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 0 0 1 1 1, ठीक है। अब इसी में बोला जाए कि आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो क्या करेंगे आप कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे? अलग अलग करना होगा ना, एक बार ए का करना होगा और एक बार बी का करना होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होता है, ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? इसका करेंगे ऊपर वाले का तो 1 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या होगा? 0 0 0 0 0, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। और इसी जगह इसको करना होगा तो क्या करेंगे? 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बिट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो गया, तो इससे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये, ठीक है।
पढ़िएगा बढ़िया से। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है ये भी देख लीजिए, जो मैंने अब कवर नहीं किए थे, मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ थोड़ा आपको क्या क्या होता है ये भी, ठीक है। मल्टी सेट क्या होते हैं? मल्टी सेट अ सेट इन विच एलिमेंट में अपीयर मोर देन वंस। एक ऐसा सेट, एक कुछ एलिमेंट होते हैं सेट में जो एक से ज़्यादा बार अपीयर होते हैं सेट में, उनको कहते हैं मल्टी सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है ए, उसमें वन, देखिए वन टू थ्री, थ्री टाइम्स हो रहे हैं, और टू क्या हो रहा है, दो टाइम्स, थ्री एक टाइम, फोर टू टाइम्स। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, वन की, टू की, थ्री की, फोर की। वन की क्या है, थ्री टाइम्स है, टू की टू टाइम्स है, थ्री की वन टाइम्स है, फोर की टू टाइम्स है, ठीक है। इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी किसे कहेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दो सेट इक्वल होंगे। कब दो सेट इक्वल होंगे, कब, जब ए सबसेट होगा बी के, वहीं दूसरी ओर इफ एंड ओनली इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब कि ए सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो ए का, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूँ, कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट और हैं जहाँ पे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, जैसे कि मेंबरशिप और एक होता है इंक्लूजन। मेंबरशिप का मतलब होता क्या है, बिलोंग्स टू। इंक्लूजन का मतलब होता है सबसेट के लिए यूज़ होता है इंक्लूजन, ठीक है। और मेंबरशिप का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये एलिमेंट बिलोंग करता है सेट में, और इंक्लूजन मतलब ये सबसेट है सेट का, ठीक है। देखिए नोट है यहाँ पे कि ओनली ए सेट कैन बी ए सबसेट ऑफ अदर सेट, यानी कि एक सेट ही सबसेट हो सकता है किसका, अदर सेट का। एलिमेंट कैन बी ओनली मेंबर्स, एलिमेंट क्या हो सकते हैं, सिर्फ मेंबर हो सकते हैं सेट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए एक सेट के अंदर क्या है, एक सेट एज ए एलिमेंट है, ये जो सेट है एज ए एलिमेंट है, टू क्या है, एलिमेंट है, थ्री क्या है, एलिमेंट है। ये सेट तो है लेकिन इस ए सेट के लिए एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है, एज अ एलिमेंट या मेंबर वर्क कर रहा है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं ये लिखूँ कि ये एक एलिमेंट है वन, जो कि एक सेट है, हाँ, बट यहाँ पे एज अ एलिमेंट काम कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो सेट वन है, जो कि एज अ एलिमेंट है, बिलोंग करता है ए से, ठीक है, बिलोंग करता है ए से। तो वैसे एक और चीज़ देखिए, अगर ये तो सेट है, अब मैं अगर यही लिखूं कि एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है वन, जो कि एक सेट है, यानी कि ये एक सबसेट की तरह है किसका, ए का। क्यों? क्योंकि अब ये एलिमेंट जो है एक सेट के अंदर है इस कर्ली ब्रेसेस की वजह से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक सबसेट है ए का। वहीं फाई क्या है, सबसेट है ए का, क्योंकि फाई तो सभी का सबसेट होता है ना, क्योंकि खाली एलिमेंट है, खाली एलिमेंट सबके सेट होते हैं, ठीक है, सबके सबसेट होते हैं। एक और, लेट ए वन टू थ्री एक एलिमेंट है सेट्स में, वन बिलोंग करता है ऐसे, ओके, बट वन नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों ऐसा क्यों है, वन एक एलिमेंट है ए का, तो वो बिलोंग करेगा ए से, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वन सबसेट है, नॉट सबसेट ऑफ ए। यस, बिल्कुल सही है। क्यों? वन तो एलिमेंट है ना, सबसेट थोड़ी ना है, वन तो एलिमेंट है, इसी वजह से यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है सबसेट में। अच्छा, अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि यहाँ पे एक क्या है, सेट है, ये कर्ली ब्रेसेस की वजह से अब वन क्या हो जा रहा है, एक सेट हो जा रहा है। ये सेट क्या है, नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? ये एक सेट है जो कि यहाँ पे बिलोंग एलिमेंट नहीं है ए का। ये वन इस कर्ली ब्रेसेस की वजह से क्या बन जा रहा है, सेट बन जा रहा है, और सेट जो है, ये वाला जो सेट है, बिलोंग नहीं करता है किससे, या इससे, इस इन एलिमेंट, इस सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है, इस वजह से ये नहीं है। और ये क्या है, वन कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक सेट बन रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वन है, ये एक सेट की तरह काम कर रहा है, और वो क्या है, वो सबसेट है किसका ए का, और फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं हमारे सेट थ्योरी के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ UGC NET, GATE
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वेन डायग्राम्स के कुछ नए नए ट्रिक्स सीखेंगे, किस तरीके से हम फास्ट वे में प्रूफ्स कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं हमारे पास। कभी 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 बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो हम लोग वो प्रूफ्स भी सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देखते रहिएगा, वो भी हम लोग डालते रहेंगे कभी धीरे धीरे। अभी हम लोग के पास टाइम है, ऐसे करते रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, ठीक है, चलिए।